वो अपनी बात रखे सरकार के सामने, लोगों के सामने अपनी बात रखे, है ना, तब तो वो फिर प्रजातंत्र है। राजतंत्र में ऐसा नहीं होता था पहले, कहाँ नहीं, कहाँ होता था राजतंत्र, है ना। आप तो इस सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, जीवन में भी अभी 2-4, 5-10 साल में आपने क्या ऐसा महसूस किया है कि लोकतंत्र मजबूत हो रहा है और हमारे अधिकार जो हैं हमें मिल रहे हैं उसे कोई छीन नहीं रहा है, कोई सेंध नहीं लगा रहा है, खासतौर पर बैठे हुए नेता और नेतों का जो विचारधारा था जिसने प्रजातंत्र की सबसे पहली कल्पना की थी, उसने रिपब्लिक में इस बात को लिखा है प्रजातंत्र के सही अर्थ क्या है, सरकार के दायित्व क्या हैं, जनता की दायित्व क्या है, पब्लिक की दायित्व क्या है, ये सारी बातें उसने रिपब्लिक में लिखी है। अगर सही प्रजातंत्र को समझना है तो एक बार हर व्यक्ति को रिपब्लिक पढ़ना चाहिए जो प्लेटो करता है। कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में स्थिति बढ़िया है, क्योंकि यहाँ सरकार में जो भी बैठा हुआ है वो सबकी बात सुन रहा है ना, छत्तीसगढ़ का, बाहर का तो मेरे को नहीं मालूम क्योंकि बाहर की सरकार क्या करती है, लेकिन यहाँ की सरकार सुन रही है सारे बात। जी कभी तो ले लो। बहुत बढ़िया ढंग से आपने अपनी बात को कहा है, और कोई मन में बात हो तो बोलिए। जवाहरलाल जी, आज आजादी के बाद प्रजातंत्र के बारे में आपकी क्या दृष्टि है, क्या विजन है, क्या है? अभी जनता जो है सही में प्रजातंत्र को आज समझ पा रही है, और इसका श्रेय जाता है वास्तव में सोशल मीडिया को। कुछ अच्छे यूट्यूब में जो चैनल चलाते हैं जैसे नेशनल दस्तक है जो, है ना, और TNTV है, इस प्रकार के कई हैं जो चलाते हैं, वो लोग वास्तव में देश की जनता को सही प्रजातंत्र की ओर लेके जा रहे हैं। क्या महसूस किया आपने, क्या देखा उसमें ऐसा कि सीधा प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं कि प्रजातंत्र मजबूत हो रहा है हमारा देश का? क्योंकि पहले लोग क्या है सरकार से प्रश्न नहीं पूछ पाते थे, है ना, आज लोग सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं, सीधा मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ ले रहे हैं। हालांकि अभी जो भी सरकार है, ज़्यादा जैसे केंद्र में जो सरकार है वो बोलने वालों को हालांकि जेल में डाल रही है डालने पर, ये गलत है, नहीं डालना चाहिए। आवाज़ जो है उनकी, प्रश्न जो है उसके उत्तर उनको देना चाहिए, है ना, चाहे सरकार किसी राज्य का हो या देश का हो, जनता की आवाज़ जो है, जनता की आवाज़ को सुन करके उसकी जवाब देनी चाहिए, ना कि उनको हटाना चाहिए। मतलब सरकार जो है एक प्रकार से देखा जाए सारे सुख दुख का उसका दायित्व है, दायित्व उसे दूर करे, दूर करे, यही लोकतंत्र का मतलब है, लोकतंत्र का। और शायद इसीलिए देश को आज़ादी के लिए हमारे कितने लोगों ने बलिदान दिया, शहीद हुई हो गई। सही बात, ढेला यार कहाँ है? आ गया।